अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता बाघुदय हॉस्पिटल शासकीय आईटीआई के बीच सुभाष नगर रोड करीला सागर। सागर के गोपालगंज थाना पुलिस ने इलाके में चलते फिरते फोर व्हीलर से आईपीएल का सट्टा खिला रहे चलते फिरते सटोरियों को गिरफ्तार किया है। यह सटोरी गोपालगंज थाना क्षेत्र में फोर व्हीलर के सहारे चलते फिरते आईपीएल का सट्टा खिला रहे थे, जिन्हें गोपालगंज थाना पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि गोपालगंज थाना पुलिस ने बीते दो दिनों में दो आईपीएल के सट्टों में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पहली कार्रवाई मंगलवार की रात में की गई, जहां गोपालगंज थाना पुलिस ने सिलेरियो कार में चलते फिरते आईपीएल का सट्टा खिला रहे मुदित मिश्रा को मेडिकल कॉलेज के पास से धर दबोचा है, जो काफ़ी सातिराना तरीके से आईपीएल का सट्टा कार के द्वारा संचालित कर रहा था। आरोपी के साथ जब्त हुई कार के कांचों में काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई थी, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति कार के अंदर का ना देख सके। पुलिस ने आरोपी मुदित मिश्रा के पास से 32,000 रुपए नगद और एक मोबाइल जब्त किया है, जबकि लाखों रुपए के लेन देन की सट्टा पर्ची भी जब्त की गई है। वहीं दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने बीती रात गोपालगंज थाना क्षेत्र में फोर व्हीलर में चलते फिरते आईपीएल का सट्टा खिला रहे 5 आरोपियों को भी धर दबोचा है, जिनके पास से 20,500 रुपए नगद और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों में विष्णु अग्रवाल, प्रकाश यादव, दीपक विश्वकर्मा, दिनेश साहू और अनेश शामिल है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये दिनों सट्टे का कोई मामला सामने आया था, क्या है पूरा मामला? अभी वर्तमान में जो बता दें कि बीते सालों में भी पुलिस ने आईपीएल का सट्टा खिला रहे सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन अब यह सटोरी नए नए तरीके से आईपीएल का चलते फिरते सट्टा खिला रहे हैं। जिला पुलिस कप्तान तरुण नायक के निर्देश पर जिले भर में सटोरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसी कुछ और कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। सागर से वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।